तीसरी एक बात है, ज्ञान सुना तो बहुत कुछ है, एक बात है भाई जी, संसार में ग्रस्त में रहते हो, किसी के पास जाके कुछ खाना तो खाना चाहिए। बाबा ने कहा भिखारियों का हाथ का नहीं खा लो, बाहर का नहीं खा लो। अभी माता जी पूछते, माता जी के दो बच्चे लड़कियां शादी करके दिया है, तो माता जी को बुलाते हैं और वो लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो क्या माता जी उनके घर में नहीं जाएंगे? बेटा को वो शादी करके दिया है, अलग रहता है, लड़की भी दिया है, तो माता जी को बुलाती है। अभी माता जी क्या चलते, बच्चे तो नहीं चलते, तो क्या करें? माता जी उनके घर में नहीं जाए, आपके सामने एक दुविधा है ना, बाहर का नहीं करें तो क्या करें? माता जी आप बताओ क्या करते हो? उधर जाके आप बनाएंगे तो कहेंगे मम्मी आप बैठो, हम बना निकला, एक दिन आए हो आप किचन में, दूसरे आपका अधिकार आपके घर में, यहाँ नहीं। टिफिन में लेके जाते, अगर शादी में बुलाए वहां से टिफिन लेके जाके सबके सामने बैठ के खाएंगी? टिफिन माता जी टिफिन बना करके ले जाके सबके साथ बैठती है और सबके साथ बैठ के खाती है, नंबर वन हो गया। हाँ, अगर नहीं जाते हो अपने परिवार में, किसी के दूसरों के शादी में कोई परिवार कुछ प्रोग्राम में जाते हो, वहाँ क्या करते हो? टिफिन लेके जाते हो। माता जी ने किया, और बताओ आप क्या करते हो? भाई बताओ, भाई भी कहेंगे हम भी खाना किचन में जाके खाना बना के खाएंगे। हाँ आप बताओ, अगर किसी के पास जाओ तो बाबा के शादी में गए और कुछ प्रोग्राम होता है तो वहाँ क्या सीखा है? बाहर का बाबा के तहत भिखारियों का हाथ का नहीं खाना चाहिए, है ना, बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? किसी के घर में जाते हो तो खाना नहीं खाएंगे, फल दे दो, कहेंगे फल काट खाते हो, ये भी ठीक है। और माता जी बताओ, मजबूरी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है, बच्चे बहुत कहते हैं कि बड़े पवित्र हो गई है, भाव आना है ना, माता जी के देखो कभी मजबूर होता है, बहुत सुनते नहीं है, परिवार नहीं सुनते, उसमें क्या करेंगे? बाबा की दृष्टि देंगे, बाबा से बात करें, बाबा क्या करें? अच्छा दृष्टि देख करके खा ले, दृष्टि में शक्ति है इतनी, तो कला तो नहीं होगी ना, कला तो नहीं होगी ना, झंझट तो नहीं होगी ना, ऐसे में तो बवाल करते हैं सब। दृष्टि देखे कुछ भी खा लो चलेगा? नहीं कुछ भी नहीं, नहा दो कभी तो खाना, ये माता जी ने तो अच्छी बात बताई, जहाँ माताएं खाना बना सकते घर में बना के ले लो, ले जाओ और सबके साथ बैठो भी, कहा मुझे शुगर है, नमक कम चाहिए, ऐसा चाहिए, बना करके ले जाओ, थाली में रख के उनके साथ बैठ के खा सकते, है ना। अगर कोई परिवार से आपके पहचान आपके ही है तो जाके वहीं खाना बना के आप लोग बैठो सबके साथ, ऐसा नहीं हो नहीं होता, खाना तो घर में बना नहीं, सबको नहीं बाहर का खाना पड़ता है ना, भाई अभी महीने का आज मेरा उपवास है, कुछ नहीं खाएंगे, डाला जाके अपना काम कर दो, शादी में जाके देख कर आज उपवास है, आज नहीं खाएंगे,